को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुजाई देवियो बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों अपने भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए हम लोग गीता का भक्ति योग जिसके माध्यम से हम परमार्थ की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अंतःकरण और बुद्धि को दोनों को निर्मल और सूक्ष्म करते हुए अंतर्मुखी होने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, संसार संबंधी संकल्प विकल्पों को प्रत्यक्ष रूप में घटता हुआ देख रहे हैं, भक्ति अर्थात भगवान के प्रति दिव्य प्रेम, भक्ति भगवान के प्रति अनुरक्ति अर्थात मन का महाराज जी में रुक जाना, टिक जाना, ठहर जाना। शाबाश, जैसे हमने रावी के पानी को कहा बस हमारे हिंदुस्तान के साथ भक्ति करो, यूं झलने और कमलों की तरह बहते बहते आगे ना जाओ, यहीं रहो। इसी तरह मन के अंदर जो प्रेम है अगर उसमें स्वार्थ मिल जाता है तो वो झल्ला बन जाता है, जैसे पानी घुघू बन के यूं 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 करके बहता जाता है, इस तरह मन इधर उधर करके टच करता जाता है अनेकों को। तो जैसे हमने अपने पानी को गोविंद सागर में बांध लिया और कितना लाभ मेरा भारत उठा रहा है, कितनी मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, कितनी शानदार अपने नहर निकाल ली और हिसार की तरफ भेज के धरती आपको दुआएं दे रही है, वरना हिसार पिछड़ गया था इलाका पानी की कमी के कारण से, और आज उसकी धरती सोना उगल रही है। वाह, इसी प्रकार प्रेम तो भगवान का स्वरूप है मेरी देवियों मेरे सजनों, लेकिन इंसान अज्ञानता के कारण से जैसे दूध में शराब डाल के पिए, हाय सतोगुनी दूध और रजोगुनी शराब, बयान इसी प्रकार इतना चोटी का प्रेम और उसमें स्वार्थ डाल दिया जैसे मानो दूध में शराब डाल दी, पता ही नहीं, इतनी हमें समझ ही नहीं कि प्रेम को प्रेम के नाते से रखना चाहिए। हमने प्रेम में स्वार्थ डाला, आप ये घर डाल दी, वो मोह बन गया, वासना बन गई, कामना बन गई, वाह उसका रूप ही बदल जाता है मेरे सज्जन, जैसा आपको अपना अनुभव है। आप क्या कर रहे हैं, स्वार्थ को खत्म कर रहे हैं, परमार्थ का बोलबाला कर रहे हैं, इस मार्ग में लगते ही वही है जो अपने स्वार्थ को खत्म करती है, कामना को खत्म करती है, क्योंकि कामना मेरे कहने पर नहीं आप खत्म कर रहे, आपने देख लिया कामना पूरी करने के बाद भी कोई तृप्ति तो है नहीं, मन को तसल्ली तो होती नहीं, मन फिर भी बेचैन बेकरार रहता है। अच्छा, फिर भी इसमें हलचल मची रहती है, अब हमें विश्वास नहीं रहा काम संसार संबंधी कामनाओं पर। कब तक विश्वास करें, आखिर कोई सीमा होती है, विश्वास करते करते हम अपनी आयु भी कम कर बैठे। तो जब विश्वास नहीं रहता तो तब मन फिर टिक जाता है, रुक जाता है। मन तो विश्वास से बढ़ता है, मन की जान प्राण तो विश्वास है, मन की जान प्राण तो श्रद्धा है, ऐसा करूंगा ना फिर ऐसा मिल जाएगा, इसे विश्वास कहती है। विश्वास होता है जो अभी किया तो है नहीं लेकिन उम्मीद है, मन में हमारे एक होप रखी हुई है, इसी आधार पर सजनों देवियों मन जिंदा है, मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा बन जाएगा, फिर उसके बाद मुझे ये मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये हो जाएगा। आहा, जब तक सांस तब तक आस, अगर संसार संबंधी ये आशा निराशा में बदल जाए, ओए होए होए होए, अहभाग्य
संसार संबंधी आशाएं निराशा में बदल जाएं। लाखों में कोई होगा माई का लाल और मेरी पुण्य कमाने वाली बेटी, जिसकी संसार की आशाएं निराशा में बदल जाए। नहीं, कुछ नहीं पड़ा। सिर्फ इतना तजर्बा लेने के लिए कितने जन्म लगते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी देवियों, मेरे सजनों, संसार की आशाओं का परिणाम निराशा में देखने में पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। लग गए, अब संसार में आपके उम्मीद नहीं रही, उससे आपका मन अपने आप ही उठ गया। यहां वही जीव आ रहे गए, मेरे प्रभु उन्हीं को ला रहे गए जिनको संसार के प्रति आस्था नहीं रही, विश्वास नहीं रहा, उम्मीदें नहीं रही। नो मोर एक्सपेक्टेशन, नो मोर होप। इन्होंने तबाह कर मारा है जो मन संसार के प्रति आशाएं लगा लेता, वो तृप्ति उससे तृप्ति हो नहीं सकती। बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई, अगर संसार से आपका मन ऊब गया है, अगर पूर्ण रूपे नारी चोले में होते हुए चुका आपका मन तो नर्म है, उबले हुए आलू की तरह, जन्म से ही आपका मन जन्म से ही पत्थर की तरह सख्त है। बड़ा अंतर है नारी नर में, बड़ा अंतर है मन करके अंतर है। तन को छोड़ो परे, मन तन नारी और नर में मन करके बड़ा अंतर, मेंटली बड़ा अंतर है। आप सख्ती से व्यवहार नहीं कर सकती फिर भी नरम हो जाएंगे। इंसान जन्म से ही सख्त है। वाह। और इस मार्ग में मन मजबूत चाहिए, इरादे का मजबूत, दिल का कल, मन बड़ा मजबूत चाहिए। उधर देखिए वेद में ले चलो, वेद शुरू होने से पहले ही कहता है क्या चाहती हो, जब वेद के चरणों में प्रणाम करती हैं, वेद की आवाज आती है, क्या चाहती हो? आपका स्वाध्याय करना चाहता हूं। क्यों स्वाध्याय करना चाहते हो? अपने कल्याण के लिए। कल्याण तो भगवान से होगा, तो मैं भगवान के नजदीक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन तुम अपना मन देखते हो कैसा है मन? लो पहली ऋचा, वाह, वेद भगवान की आपको आगाह कर देती है, चेतावनी देती है। नाम अप्रवात्मा बल ही ने लभ्या, उस दिलों से परमात्मा प्राप्त ना किया जाएगा। पहली ऋचा याद रखना, ना अयम, ना मैंने नहीं, अयम मैंने ये, आत्मा मैंने परमात्मा, बल ही नेन जो उस दिल है उन द्वारा प्राप्त नहीं होता। दौरा पाती, अच्छा, उसके घर पहुंचा है रेजिमेंट बाजार, क्या है रेजिमेंट बाजार से उसके घर पहुंचा है, भगवान से प्रार्थना है कि उसकी छोटे छोटे बच्चे जी। तो ये बड़ी जोरदार चेतावनी है मेरे सजनों, मेरी देवियों, ना अयम आत्मा बल हीनेन, जिनमें बुद्धि का बल नहीं, मन का बल नहीं, तन का बल नहीं, वो घबरा जाएंगे, वो मेरी देवियां घबरा जाएंगी। इसकी कोई कोई होता है जो बौद्धिक मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहे, पक्का रहे। गीता कृष्ण ने भी यही कहा है, वो मुझे अपनी ओर खींच लेता है, खींच लेता है, ये लेती है, यूं कह लो मेरी देवी। कौन? इरादा में मजबूत ये है, इरादा में नेकी के यक्षु है, जो अपने इरादे में, अपने डिसीजन में, अपने निश्चय में दृढ़ है, वो कमाल कर देते हैं। अपने आप को टटोलते रहना, संसार से निराशा हो जानी चाहिए, संसार के प्रति आपकी आशा नहीं होनी चाहिए, वरना आप इंसाफ न कर पाएंगे। मैं पूरी चेतावनी देता हुआ आगे जा रहा हूं, जिनका मन संसार में अभी आशाएं लिए हुए है, इधर इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि आप के न चाहने पर भी मन खिंच खिंच के उधर जाएगा। और ये मार्ग किन के लिए है? जिनके मन में एकाग्रता है। एकाग्रता किन के लिए है? जिनका मन में पवित्रता है। पवित्रता किन को है? जिनको संसार की तरफ आशा नहीं गई। एक एक शब्द भगवान का पकड़ लो। परमार्थ का मार्ग किन के लिए? किन के लिए जी? जिनके मन में कोई आशा नहीं है संसार के प्रति, उनका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और लग जाता है भगवान की ओर। आपने ये देख लेना, भगवान ने पुरजोर शब्दों में गीता में कहा है, सहारा किसी का ना ले एक पल, जरा भर भी संसार का सहारा लेना, इनकी सेवा करो,
पिताजी है, माता जी है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, सेवा कर बैठी, इन पर इनके इन पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये चीजें जा रही है, टिकने वाली नहीं है, अपना अपना काम करके जा रही है। चलिए हम कैंट चले स्टेशन पर, पांच चार गाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, सुंदर है, सजी धजी हुई है, नई गाड़ी चली है, हाँ विश्वास क्या करना, इनको आगे सिग्नल तो मिले पड़े हैं और अभी ये चली जाएंगी है। ये हमारे आजकल के महापुरुष कहती है, दुनिया एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, यहां प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है, नजर आती है खड़ी है, पर अब जा ही रही है। इस तरह मां बाप बहन भाई खड़े हैं हमारे घरों में, नजर आते हैं खड़े हुए हैं, पर अपना विशेष काम करने के बाद चले जाए, इसलिए इनका भरोसा क्या। अगर आप ऐसी बात मन में बिठा ले मेरे सजनों, ऐसी अगर मेरी बात आए, मेरी होनहार बेटियां ये मन में रख लें, हम अपना कर्तव्य तो करेंगे पर सहारा नहीं लेंगे इनका, ना अपना सहारा देंगे ना सहारा लेंगे, वक्त जो हमारे से बन पड़ेगा वो हम करेंगे, जितनी हमारे से बन पड़ेगा इनकी सेवा कर देंगे, क्योंकि सेवा भी एक कर्जा है, मां के प्रति हमारा ये सेवा का कर्जा है, पिता पति जो भी खून के रिश्ते या अपने आपके नजदीक आए हुए हैं, जिनके साथ आपका रोजमर्रा का उठना बैठना है, करो राज की सेवा जितनी बन सकती है, यू ट्राई योर बेस्ट, बस इतना ही। इसके जब आगे बढ़ जाती है ये काम खराब, फिर जब सहारे ले लेती है तो बस फिर यहां क्या होगा, भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जब सहारा लिया तो बीच में मन भी चला गया। हाय, जरा भारत का मनोविज्ञान तो पढ़ो, भारत के मनोविज्ञान की गहराई में जाइए। जब आपने सहारा लिया, किसने सहारा लिया, हमारी गालों ने, हाथों ने, छाती ने, नहीं, हमारे मन ने, तो भक्ति कौन करेगा, भक्ति तो मन ने करनी थी, और मन सहारा लिए बैठा है, खत्म। बेटे पिताजी आपकी शादी कर रहे हैं, हाँ कैसी शादी करेंगे, गुस्ताख क्यों होती है, दिसंबर में उन्होंने दिन निकाला है आपका, नहीं कैसे निकालेंगे, क्यों, मैं नहीं चाहती उसको, फिर तो शादी हो गई। शादी का मतलब कुछ शब्दों में थोड़ा है कि शाह और आ की मात्रा और दा में बड़ी ही की मात्रा, शादी का मतलब है दो जीवात्मा का मिलाप, और तू कहती मैं तो नहीं, मैं तो उसके साथ ही जाऊंगी, फिर शादी हो गई। अगर हमारी बेटी या आपकी बहन कहीं और मन लगाए बैठी है तो शादी कहां करोगे, किसकी शादी करोगे, कोई पुतला बना के, नहीं तो, तो भक्ति करनी है किसने, मन, और मन तो कहीं और आशा लगाई बैठा, कौन भक्ति करेगा। इसलिए आज मंदिर और धर्मस्थान बदनाम है, इस पायल को पकड़ लो, जैसे मैं कस के पकड़े बैठा हूं, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप ये पकड़ लो। अगर हमारे हिंदुओं के धर्मस्थान बदनाम है तो इसी कारण से, हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और, मन करके हम नहीं जाते, तन करके जाते हैं हम, मन करके वहां प्रणाम नहीं करते, मन में तो नाना प्रकार की आशाएं हैं, फिर आरती कैसे उतारोगे, मात पिता तुम, ये मैं बोलूंगा, आगे आप बोलो ताकि दरबार में आप मुकर ना जाए, मात पिता तुम मेरे, आगे आस करूं किसकी, पर आपके मन ने तो आशाएं लगा रखी हैं, फिर आरती कैसे उतारती हो, आप भी मेरे माता पिता हो, मैं और किसकी आस करूं, हाय तुम बिन और ना दूजा आस करूं मैं, आपके साथ कुछ है ही नहीं, आप ही मल्टीप्लाई कर दो, मैं शरण पढ़ूं तो किसकी और आस लगाऊं तो किसकी। अगर ये आप मानसिक रूप में आरती उतारे, बड़ी जल्दी भगवान की भक्ति में कामयाब हो जाए, सिर्फ इसी पंक्ति का उतार ले, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं किसकी, तुम भी नौर न दूजा आस करूं जिसकी, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतनी सी बात आरती की हम अपने मन और बुद्धि दोनों में रख ले। बेटा पार इस बात को पकड़ लो मेरी देवियों, अच्छी तरह पकड़ लो, ये गीता है, आहा जो पूर्ण रूप में अपने भगवान का प्यारा बना देती है, आस न लो संसार की, फिर मन खाली हो गया है। अगर मान ये आशा ना ले संसार की, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं, बड़ी एकांगता सुनते जाना, गीता में बड़ी एकांगता चाहिए, बड़ी एकांगता चाहिए। सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने एक ही बार अर्जुन ने कई सवाल किए और धृतराष्ट्र भी घुघू ने किए, हां
लेकर भगवान का एक ही सवाल, सारी की सवाल सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने मेरी गीता को एकाग्रता पूर्वक सुना? ये एक ही सवाल, क्या कमाल है, या हमारे जैसों को इशारा कि गीता को एकाग्रता, तबा यक्षु, तबा का मन लगाइए, यक्षु मैंने एकाग्रता पूर्वक तूने मेरी वाणी सुनी प्रभु जरूर, तो फिर उसका यह प्रभाव पड़ा, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं तरे भी जहालत गया, फिर अज्ञानता का धोखा गया कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया मेरे देवियों सज्जनों कि जो भगवान जी की गीता को बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनेगा उसके अंदर अज्ञानता नहीं रह सकती, और अज्ञानता नहीं रह सकती तो फिर ये गंदी वृत्तियां भी नहीं रह सकती, ये अज्ञानता के साथ है। अंधेरे में आपको उल्लू नजर आएंगे, अच्छा, अंधेरे में चमगादड़ नजर आएंगे, अच्छा, अंधेरे में ये चोर उचक्के छिपे हुए नजर आएंगे, अच्छा, ये अंधेरे से प्यार करने वाले गए, अज्ञानता में काम करो लोग के दोष, ये मानसिक दोष है, ये नेगेटिव क्वालिटी, ये मानसिक दोष, ये हमें तभी दिखाई देते हैं जबकि अंदर अज्ञानता हो। और जब भगवान ये वचन ले लें, आहा अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर, फिर कहां रहेंगे, फिर नहीं रह सकते ना, फिर नहीं रह सकते कदापि भी नहीं। एक बार अपने घटना आती है पुराणों में, सारे देवता और इंद्र समेत महर्षि अगस्त जी के पास गए और गिड़गिड़ाए, अगस्त के पास बड़ी भारी तप के आधार पर शक्ति पैदा हो गई थी, गिड़गिड़ाए, क्या महाराज कहिए आप, हम प्रार्थना करने आए, आप स्वीकार कर लो, इसमें हम सबका भला है। जरूर इंद्रराज, आप कहो, देवराज बोलो, महाराज राक्षसों ने बड़ा तंग कर रखा है, तो तेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र है, खत्म कर दे उनको। नहीं महाराज, मैं कैसे खत्म करूं, अस्त्र भी हैं शस्त्र भी हैं, पर करूं कौन, और दैवी अस्त्र हैं, क्या करूं, ये हमला करके समुद्र में छिप जाते हैं, अब मैं यहां अस्त्र शस्त्र क्या करता है काम, आप पे प्रभु ने शक्ति दी है, आपके पास अमोघ, जो व्यर्थ नहीं जाता मंत्र, अमोघ मंत्र, जैसे भगवान राम जी के तीर अमोघ थे, अमोघ का अर्थ क्या होता है, जहां निशाना मारा वही लगा, जाय नहीं गया, भगवान का एक भी तीर जाय नहीं गया, अगर संकल्प किया है कि इसका सिर उड़ जाए तो तीर सिर के ऊपर जाएगा, संकल्प किया है कि इस राक्षस ने सीता को टच किया है इसका हाथ कट जाए तो हाथ कट जाएगा, शाबाश, इसे बोलते हैं अमोघ शस्त्र, अमोघ अस्त्र, जो व्यर्थ नहीं जाते, बाकियों के व्यर्थ जाते थे, नहीं निशाना लगता, ये भगवान की इच्छा ही नहीं है, तो अमोघ मंत्र अपने अगस्त जी के पास थे, आप मंत्र पढ़िए और सागर का जाल ही सुखा दो, फिर राक्षस बीच में छिपे हुए हैं, मैं उनको फौरन मार दूंगा, तथास्तु, ऐसा ही करता हूं, ऐसे ही कर दिया, पानी थोड़ी देर के लिए पता नहीं भगवान ने कहां छिपा दिया, या पानी सारे पी गए, छिप गया, मंत्र ऐसे थे, शाबाश। इसी तरह जब हम पूर्ण पेन लग जाती हो इस मार्ग में, क्या संसार की आशा छूट गई, दोष भी साथ ही चले गए, हाय ये काम क्रोध लोभ को, जैसे उन्हें पानी गायब कर दिया, बीच में प्रकट हो गए राक्षस और इंद्र ने अपने अस्त्र शस्त्र सारों खत्म कर दिया, इस तरह ये आशाओं के साथ है गंदी वृत्तियां। एक एक पॉइंट पकड़ो गीता जी का, एक एक पॉइंट गीता जी का ले ले, एक एक रहो संसार में रहने तो बुरा नहीं, वरना भगवान हमने पैदा ही नहीं करता, आप यूं सोचा करो, भगवान ने दुनिया में भेजा है, वेरी गुड, तो दुनिया में रहने तो बुरा तो नहीं, दुनिया का बन के रहना बुरा है, पकड़ो भगवान जी क्या कहती है, दुनिया में रहना बुरा नहीं, दुनिया का बन के रहना बुरा है, दुनिया में आकर के भगवान का बन के रहना था, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, इस पॉइंट को पिकअप कर लो, अभी ले लो, अभी ले लो, आपको अपने कल्याण की कसम अभी पकड़ लो, गृहस्थी में रहना बुरा नहीं, ए मैया, ए भोली भाली बेटी, गृहस्थी का बन के रहना बुरा है, हाई बन के रहने का मतलब हम मन बुद्धि से गृहस्थी के बन जाती हैं, मन में संकल्प विकल्प सदा इसी के उठती हैं, इरादे गंदे मंदे संसार के आते, तब हम मरे मरे मरे, तब भगवान कहते हैं जायल हुई अक्ल अजवाल, डाउनफॉल आ गए इंसान का, फिर इंसान पतन की ओर जाएगा, मैं भी रहूं संसार में, आप भी रहें, संसार के बन के नहीं, दुनिया बनाने वाले के बन के, इतना सी बात है, अगर आप ले लो मेरा यह सुनाना सफल हो जाएगा, मैं बड़ी खुशी से अपने शरीर को छोड़ दूंगा,
इतनी सी बात लीजिए कि संसार में तो रहना ही है, भगवान ने जन्म दिया जब तक आयु है, लेकिन संसार के बन के नहीं रहेंगे, भगवान के बन के रहेंगे। दूसरे शब्दों में सहारा हम अपने भगवान का लेंगे, संकल्प भगवान का आएगा, इरादा भगवान का होगा, शरीर द्वारा काम करते जाएगा। वेरी गुड, डूइंग वेरी गुड। पकड़ मेरी बेटी, आप कल्याण के लिए यहां आती है, रहे पत्नी बन के रहे, मां बन के रहे, जो भी रिश्ता निभाओ, मन करके नहीं, मन में संकल्प ही नहीं आएगा। आजमाए बैठा हूं, आप भी आजमा लो। महाराज जी के फरमान को दिलो जान से आजमाने की पूरी चेष्टा की है, आप भी आजमा लो। मन करके ना रहे, तन करके रहे, बस क्या होगा, मन डिसंगेज्ड है, मन खाली रहेगा, मन उलझा हुआ नहीं रहेगा। सुन मेरी बेटी सुन, आपका मन बिल्कुल खाली रहेगा, यही खाली मन अब भक्ति कमा सकता है। आहा, इसी खाली मन में याद भगवान की आएगी और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। मन में प्रेम किसका बढ़ता है, जिसकी याद बार बार आ रही है, यह परमात्मा का नियम है। जिसकी याद बार बार आ रही है उसी का प्रेम बढ़ेगा। और रहे किस्मत, गुड लक वुड हैव इट, अगर भगवान की याद बार बार आए, भगवान की स्मृति आए, भगवान के गुण याद आए, भगवान का उपदेश याद आता रहे, हाँ उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसी प्रेम को ही भक्ति कहती है, इसी प्रेम को ही उपासना कहती है। प्रेम को दो प्रकार का ना कहा करो, प्रेम एक ही प्रकार का है। जो आप प्रा प्रा कह रही है वो तो शुरुआत की बातें हैं, प्रेम के टुकड़े नहीं होते, प्रेम के टुकड़े होते हैं, भगवान के टुकड़े भी नहीं होते। वो अपरा हो गया जब संसार में आपने मन लगा लिया, फिर वो प्रेम तो ना हुआ, वो मोह हो गया, और परा हो गया जब पूर्ण प्रेम आपने भगवान में लगाया। दैट इज सुप्रीम डिवोशन। डिस्टिंग्विश कीजिए मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, पर बड़ा आसान है प्रेम करना, तो हमें आता है, पर हमें ये तो पता ही नहीं था। ये रास की बात भगवान जी नहीं बताते, या हमारे ये कहिएगा इतने शुभ संस्कार नहीं थे कि ये रास की बात पता लग जाती। बस यही नुक्ता ले लो गीता जी से, मैंने संसार में रहना, पर संसार का बन के नहीं, संसार बनाने वाले भगवान का बन के रहना है। मौज वहां, जैसे आप शादी हो चुकी आपकी, हाँ पति के बन के रह रहे हो, हाँ किसी और के नहीं, सास भी है, ससुर भी है, नंद भी है, देवर दूर सारे हैं, उनके बन के नहीं रह रहे, उनकी सेवा कर रहे हो, जी बोलते हो, आदर देते हो, पर मन में तो आप अपने श्रीमान के बन के रह रहे हो। आपको मैं क्या पढ़ाऊं, आप तो पढ़ी पढ़ाई हो, परिवार में आपको पता है शादी के बाद सिर्फ उसके बन के रहते हो, उसी के कारण से इंसानों की कदर करते हो, इनको मालूम ही नहीं होने दे रहे कि मन ही मन में तो मैं तो उसकी बनी हुई हूं, जिसके साथ मैंने एक नहीं सात चक्कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आहा इतने चक्कर आपने लिए हैं, इतना पक्का किया अपने आप को, बाकी किसी सेवा कर रहे हो। यही कृष्ण कहती है, यही भगवान गीता जी में बार बार कह रही है, शब्दों को भगवान को भला कौन पढ़ाए, भगवान तो सर्वसमर्थ है, उन्हीं से विद्या निकली है, कभी कोई शब्द लगाते हैं, कभी कोई शब्द लगाती है, मतलब क्या भगवान के बन के रहना। अगर तू यहां आपका दिल करता है आने का, तो ये देखिए मैं भगवान का बन के रहूं, यहां में जो मेरे कर्तव्य में पूरा करते जाऊं, परिवार में कर्तव्य कुछ और है, गली में आप आते हैं आप कर्तव्य कुछ और है, आप जहां भी काम करते हैं, वेदर यू आर बिजनेसमैन आर ए ऑफिसर, वहां कोई जाते हैं ऑफिस में, वहां कोई कर्तव्य और है, कर्तव्य निभाइए, लेकिन मन को खाली रखना, मन को नहीं संकल्प विकल्प लाना, मन में चिंता नहीं लानी। हाय, वो भक्ति के काबिल नहीं है जिनके मन में संकल्प विकल्प आते हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे संसार संबंधी संकल्प, फिर याद टाइम वेस्ट ना किया। मैं पहला भगवान का भक्त हूंगा जो कहूंगा फिर जाने का लाभ ही कुछ नहीं, फिर डेली घर में कोई व्यक्ति सेवियां बनाए, कोई छोटी सेवियां रंग बिरंगियां बड़ी शानदार बनती है दूध के अंदर, कभी मां खिलाया करती थी, मेरे 40-50 साल हो गए, वो अच्छी कोई काम तो बनेगा ना, कोई काम तो सिरेगा, स्वेटर बना लो, और आपके काके की थोड़ी छोटी हो गई या कुछ श्रिंक कर गई है वो बना लो, या तो तब लाभ है। मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा, अगर संसार का सहारा छोड़ के रहोगे, संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते, तब तो मेरी आपको मेरा यहां आना और आपको गीता सुनाना लाभ है, वरना ये टाइम कहीं और लगाओ। बिल्कुल परमात्मा कसम कोई लाभ नहीं अगर आपको संकल्प विकल्प नहीं बंद हो रहे तो, मैं आपको धोखा कभी नहीं दूंगा, और मुझे परमात्मा कसम ये नहीं कहता कि हजारों बैठे हुए सुन रहे हो, फायदे कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं अगर हम अपने अंदर के संकल्प विकल्प बंद नहीं कर पा रहे, सिर्फ टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा।
इसको कहीं और लगा ले, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, वो बड़ा अच्छा है। यहां तो तब लाभ है जब भगवान कह रहे हैं सहारा किसी का न ले एक पल। ये जब भगवान का सहारा लो फिर तो आपको बड़ा लाभ है। ऐसे स्थानों पर गीता नहीं सुनना, बेटे ये रामायण नहीं, ये भागवत पुराण नहीं। रामायण में जीवनी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, और भागवत में जीवनी है महाराज जी की, अपने इष्टदेव भगवान कृष्ण की, वो कुछ और है। ये तो चोटी की फिलॉसफी है। ये क्या है, ये तो हमारे जीवन को शानदार बना देती है। गीता तो मन के लिए है, बुद्धि के लिए, ध्यान रखना, गीता मन के लिए बुद्धि के लिए, मन के विचारों को उच्च करने के लिए। तो उच्च तो तब होंगे जब नीचे से उठ जाए। मैं दूसरी मंजिल पर जाना चाहता हूं तो नीचे मंजिल को छोड़ूंगा, दूसरी पर जाऊंगा। मैं अपनी लो थिंकिंग छोड़ूंगा तो हाई थिंकिंग में जाऊंगा। ये बुद्धि के लिए, अर्थात गंदे मंदे इरादे छोड़ेगा तो हाई इरादे पे जाएगा। हाँ, वो हम छोड़ना नहीं चाहते, वो हम लेना चाहते हैं। बात बनेगी नहीं, ये बात होगी नहीं। कितना नलायक है बड़ा भाई। हाँ, पुराने मकान को छोड़ना नहीं चाहता और नए मकान को जो है लेना नहीं चाहता, ये बात क्या बनी। नए मकान को भी चाहते हैं, पुराने को भी चाहते। पुराने तो छोटा भैया ने कितना अच्छा कहा, आप मेरे बाप समान है। हाँ मेरे भैया, पुराना मकान मुझे दे दो, जो नया बना उसमें आप रहो, आपकी शान मेरी शान है। फिर भी भैया बड़ा ना माने तो ऐसे तो नरक में जाएगा ऐसा भाई। छोटे ने पहले छोटा दाव ले लिया है, पुराना मुझे दे दो, आपकी इज्जत होगी तो मेरी इज्जत है, आपको लोग देखेंगे वो बहुत है तो मुझे इसमें खुशी होगी, आप नए कोठी में चले जाओ, पुरानी मुझे दे दो। कितना गंदा भाई है, पुरानी छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, पुरानी देना नहीं चाहता और नई से निकलना नहीं चाहता। तो इस तरह आपका बड़ा बेवकूफ है, तो फिर हम सारे बेवकूफ है। पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहते और उस नए मकान को की तरफ तरसते रहेंगे। भक्ति करूं, मैं भगवान का भजन करूं, मैं अपना परमार्थ बना लूं, हाउ इज इट पॉसिबल। इसको छोड़ना पड़ेगा, पुराने इरादों को, पुराने विचारों को, क्योंकि ये दुखदाई है, अत्यंत खराब करने वाले हैं। इसका सहारा छोड़ दो। गृह प्रवेश हो रहा है, इसका मतलब क्या, पुराने मकान को छोड़कर नए में प्रवेश कर रही है। आपका क्या हो रहा है, आपका 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 विचार प्रवेश हो रहा है। क्या मतलब, पुराने विचारों को छोड़कर भगवान भगवत संबंधी विचारों को ले रहे, छोड़िए इनको। तब आप समझिए मैं गीता जी का लाभ उठा रही हूं, तब आप समझिए बस मैं गीता जी को फायदा ही उठा रही हूं। गीता तो करती यही है, गीता का मतलब ही त्याग से है। गीता का एक शब्द में अगर कहा जाए, त्याग, मरने से पहले त्याग करो। मर के तो सारी छोड़ जाती है, पर गीता कृष्ण कहते हैं मरने से पहले शरीर की ममता त्याग करके रहो, मन के गंदे विचारों को छोड़ के रहो, बुद्धि के गंदे इरादों को छोड़ के रहो, और ये जो शक्ति जाया जा रही थी इकट्ठी हो गई, इसको भगवान की ओर लगा दो। शरीर में मोह था तो हमारा मन इसी के बारे में सोचता रहता, मेरी गाले ना खराब हो जाए, मेरी आंखें ना खराब, एक एक अंग के बारे में सोचता था। अब शरीर से मोह कोई नहीं, सिर्फ पेट पूर भर देते हैं, बस कपड़े कपड़े पहन लिए शरीर से बचने के लिए, और मन के जो गंदे विचार थे वो भी भगवान ने छुड़ा दिए। सिर्फ अपने प्रभु का चिंतन होता है या भगवान की वाणी का चिंतन होता है। बुद्धि में गंदे बंदे राधे थे, नाउ गो इट गॉन, और हमारे एक ही भगवान के राधे, जो भी आयु बच गई है मैंने भगवान की भक्ति कमानी है। तो ये जो शक्ति जाया हो रही थी इन इनों के, वो सारी शक्ति क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। अब ये इकट्ठी शक्ति हमने भगवान की ओर लगा दी, आय मौज बहार, आय मौज बहार, इसे भक्ति कहती है। जो मन की चिंतन शरीर में जा रहा था, जो मन का चिंतन गंदे विचार अशुभ विचारों में जा रहा था, अशुभ इरादों में बुद्धि में जा रहा था, ये सारे एक तरफ हो गया, इसको भक्ति कहती है। पता नहीं आप क्या भक्ति समझती है, बिखरे हुए मन को एक जगह इकट्ठा कर देने को नाम भक्ति है। फिर बाकियों के चिंतन बंद हो, मेरी कल्याणकामी देवी हो, तेल डाल के आया करो, कोई भी शब्द गीता का अनसुना ना रह जाए, बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनो मेरे प्रभु की अत्यंत मधुर, अत्यंत कल्याणकार मंगलकारिणी वाणी। अब तो आप बढ़ते चले जाएंगे, अब आपका मन निसंगीत हो गया, अब आपका मन खाली हो गया, खाली मन से भक्ति होती है। अगर इस मन में संकल्प विकल्प आते जा रही हूं, इधर उधर के विचार थे, मैं कहा आपकी शादी होने वाली, लेकर आप तो चाहती नहीं हो, तब शादी किसकी होगी। मन इन गंदे विचारों को छोड़े ना, अत्यंत दुखदायी जाने, अब मन भक्ति कमाएगा।
अब मन मालिक की ओर लग जाएगा। लेकिन इसको कुछ इसको समझे दुखदाई है, ये कुछ मतलब नहीं, इसमें तो मैं आया हूं व्यवहार करने के लिए, लेकिन ये हमें पता ही लगा हम व्यवहार भी करते हैं इतबार भी करते हैं फिर रोते भी हैं। इसका क्या इतबार करना जो जा रहे हैं भागे भागे जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं हर चीज। इसने ये जान लिया व्यवहार संसार के साथ इतबार भगवान के साथ इजिकल टू भक्ति, व्यवहार जहान के साथ और इतबार भगवान। और मैं कैसे क्लियर करूं बेटी मेरे पास तो यही भगवान की प्रेरणा, और मैं समझाऊं आपको कैसे व्यवहार जहान के साथ और इतबार भगवान के साथ। इतबार कौन करता है? मन। व्यवहार कौन करता है? तन। यही आपके कृष्ण कह रही है तन कामों में मन रहे ध्यान, इसी को भक्ति कहती है। फिजिकली एवरीवेयर, देखो मैं क्या कह रहा हूं, फिजिकली एवरीवेयर मेंटली वन एट वन प्लेस। मन द्वारा तो हमने एक में रहना है, लेकिन फिजिकली एवरीवेयर जहां भी हमारा कर्तव्य होगा हम वहां जाएंगे, जहां भी आपका कर्तव्य की पुकार होगी यू विल हैव टू गो। फिजिकली एवरीवेयर और माइंड एट वन प्लेस, बस हो गया बेड़ा पार। ऐसा जीव भक्ति कमा गए, ऐसे जीव कमाल कर गए और हमारे लिए नक्शे कदम छोड़ गए, उन्हीं के पगों पर हम जा रहे हैं। यह है गीता का भक्ति योग जो कई दिनों से जारी है और प्रभु के पसे रहेगा। हम लोग हर अध्याय में से भगवान के भक्ति के भावों को चुने जा रहे हैं, जैसे भीली जी ने अपने भगवान के लिए बेर चुने थे, हम चुने जाकर और मन में बसाई जा रहे हैं। उसको तो भगवान को खिलाने थे और हमें हमें अपना जन्म सफल करना है, इन भक्ति भावों को पकड़ लेना है, ले लेना है। चलो मेरे साथ ग्यारहवें अध्याय में 33वां श्लोक, भक्ति से भरपूर ग्यारहवें अध्याय का 33वां श्लोक यह आपको निश्चिंत कर देता है। भगवान ने वृत्तियां बनाई थी है तो मेरी बकवास, पर आप मेरे हैं मैं आपका हूं, कह भी ना रह नहीं सकता मैं। भगवान चिंता ना बनाता, चिंता आपकी सबसे ज्यादा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इतनी शक्ति मन की नहीं लेते जितनी एक चिंता ले जाती है। भगवती बड़ी गंदी मन की वृत्ति चिंता, न दिन के काबल न रात के काबल न रोटी के काबल है न सेहत के काबल, और बोलू ना अपने मां बाप के काबल ना अपने काबल ना जीने का काबल ना मरने के काबल है। चिंता वाला इंसान ना जीने का काबल है बिल्कुल, मरने के काबल भी नहीं, क्यों अगला जन्म भी गंदा करेगा वो, मरने के काबल भी ना जीने के काबल ना मरने के काबल। चिंता वाला इंसान जिंदा लाश है, सजीव लाश है बेटे, जिंदा ही लाश है। चिंता वाले के लिए कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कोई आपका कैप्सूल नहीं, कोई दुनिया में टीका नहीं बना है। इसका मन चिंता में परले दर्जे का नास्तिक है, परले दर्जे का अपने साथ वैर कमाता है, परिवार के साथ वैर कमा रहा। चिंता वाले इंसान को नास्तिक बोलते हैं। चिंता चिता से भी गंदी, चिता मुर्दों को सारती है, चिंता जिंदों को खा रही है। बड़ा अंतर है चिंता और चिता में। चिता इसमें एक आधा ना लगा दो चिंता, सिर्फ आधे ना का फर्क है, ये ऊपर बिंदी लगा दो, लेकिन अंतर बड़ा है, वो मुर्दों को खा रही है और चिंता जिंदों को चबाई जा रही है। तो भगवान इस 33 श्लोक में हमारी चिंता दूर कर रही है। चिंता किस बात की? नास्तिक आदमी, गंदे आदमी जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, ऐसे कुछ कभी भक्ति नहीं होती, कभी भक्ति नहीं होती। हे मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी, मैं अलानिया कह रहा हूं सबके कानों में, महाराज जी के अनमोल शब्द डाल के कह रहा हूं, चिंता वाला किसी का बल नहीं, चिंता वाला अपने लिए भी कुछ नहीं, परिवार के लिए भी कुछ नहीं। चिंता वाले को मनु जी कहते हैं ये धरती पे बोझ है। पूछा गया ये धरती पे बोझ है? हां, जैसे एक बकरी लाओ आपके सामने, बाबा बकरी, हां बकरी लाओ आपके सामने, हां कई ऐसी बकरियां होती हैं मेरी देवी जिनके गले में थन होता है। विश्वास अगर आप नहीं देखी तो मेरी वाणी और मनु जी पर विश्वास कर लो। अच्छा बाबा मान ले,
गले में थन लंबा, पूरा थन लंबा, बकरी के थन तो लंबे लंबे होते हैं, पीछे थन हवाने में वो तो दूध देगा, गले में थन, गले में थन हो तो वो इससे मरती है बकरी। इस तरह जिनमें चिंता है धरती मरती है, ऐसे नरकों के बोझ से ध्यान देना। मनु जी की बात एक एक बड़ी कमाल की है। हाय, चिंता बकरी के गले में थन के समान है, जो बोझ ही बोझ है, लाभ कुछ नहीं। जो चिंताशील है, शील का मतलब स्वभाव, जिनका काम चिंता ही करना है, यूज टू, अगर इसमें एक शब्द बेटे यूज टू वरी, वरी करते ही रहना है, यूज टू एग्जाइटी, प्रोन टू वरी, प्रोन टू एग्जाइटी, मरते रहते चिंता में, किसी किसी काम के नुकसान नहीं। अगर ये जल्दी नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको बताता हूं, अगर डॉक्टर नहीं बताया तो मैं आपको बताता, डॉक्टर साहब बैठे हो तो शक आकर के मेरी बात को काटते हैं और मैं बड़ा शुक्रिया करूंगा। अगर चिंता नहीं छोड़ते, हाँ ब्लड प्रेशर आपको हाई होकर कोई बीमारी लग जाएगी, थोड़े ही दिनों में बीमारी आने वाली है, ब्लड प्रेशर तो आप थोड़े दिनों में ले लीजिएगा, क्योंकि आपका मन एबनॉर्मल हो जाएगा, आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल असामान्य प्राकृतिक रूप में आपका ब्लड नहीं चलेगा, बस इसको बोलती है ब्लड प्रेशर हाई, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं बोलेगा बीपी 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 ना हुआ तो हमारा चाचा हो गया। आजकल हर एक बेटी बेटी की जबान पर बीपी बीपी है, शाबाश, ये आपका हाई हो जाएगा। चिंता तो बड़ी बीमारी है कारण, उनके लिए भगवान कहते ये नहीं करेगा। जो भगवान की अब हमें 11वें अध्याय के 33 श्लोक में भक्ति दे रही है, हाँ बहुत गजब का, बहुत कमाल का, क्या कह रही है हमें, जन्म लेने से पहले क्या था आपकी प्रारब्ध थी, एकाग्र जाओ मेरे मेरे सज्जनों मेरी देवियों, जन्म लेने से पहले क्यों जन्म लिया, ऐसा सोचे करो ना, जब आपको टाइम मिल जाए भगवान की बातों पर, रास की बातों पर सोचो, सारा दिन कमाने धमाने पत्नी पत्नी की बातों में नहीं सोचना चाहिए, सारा दिन बिजनेस के बारे में नहीं, कुछ समय निकालें जहां हम भगवान की बातें पे सोचा करें, जो केवल आज के दिन आती हैं वो कोई ऐसा समय रखें, रात्रि को सोने से पहले खा पी लिया, कोई बातें बूते करनी कर लिया, उसके बाद मेरी चौकड़ी लगाई और एक हाथ ये नीचे रखा और एक हाथ यूं रखे, ये ऐसे विचार मुद्रा में बैठ जाइए और विचार कीजिए, सोचिए भगवान किसी पॉइंट को लेकर मेरा जन्म क्यों हुआ, भगवान आपको जवाब देती है, क्या अधूरी इच्छाओं के कारण से आपने जन्म लिया, अधूरी इच्छाओं को हम शब्द बोलते हैं अरमान, आपके कुछ अरमान थे, आयु खत्म हो गई, उन्हीं अरमानों के कारण से आपका जन्म हुआ है। आप बहुत रोती, मैं नारी को बन गई, मैं नारी को बन गई, मैं आग लगा दूंगी शरीर को, बेटी मां का दोष नहीं, बाप का दोष नहीं, हाँ आपके अपनी अधूरी इच्छाओं से ये कटिंग मिली है। थान तो पांच तत्वों का है, पांच तत्वों का थान पर कटिंग में फर्क पड़ गया, कटिंग ऐसी आप कटिंग ऐसी, पर आपकी कटिंग ऐसी हुई है आपकी अपनी काम में कारण से, आप फराक बना लेती हो, वो चोला बना लेता है, तो एक ही थान, सिर्फ फर्क, फर्क फराक में चोले में क्या फर्क है, उनकी कटिंग ऐसी है, फराक की कटिंग जरा यूं यूं करके यूं यूं करके यूं स्लाइड बनाती हो, नीचे से झगला मगला बना लिया, ऊपर से तंग तुंग बना लिया, ये फराक हो गया और ये ऊपर नीचे से ईट जैसा बन गया, गुड। तो ये जो शरीर आपका बना है तो पांच तत्वों का थान, उसमें से आपकी ये लेकर और आपका ये, हाँ तो फिर क्या हुआ, हमारी अपनी वासना का बना, ये बात पर पूरा विश्वास कर लो, क्यों मैं कह रहा हूं, थप्पड़ कोई और कह रहा, थप्पड़ कौन कह रहे हैं, आपके नारायण भगवान जी कह रहे हैं। तब अगर भगवान पर विश्वास नहीं करे तो यहां आने का फायदा कुछ है, अगर घर में पिता का कहना नहीं मानना छोड़ दो घर, स्कूल में मास्टर का कहना नहीं मानना छोड़ दो स्कूल, दफ्तर में अगर बॉस का कहना नहीं मानना छोड़ दो दफ्तर, पटेगी नहीं, पटेगी नहीं, पटेगी नहीं, अगर श्रीमान का कहना मान के नहीं रहना, शादी ना करो, फिर एक के अधीन रहना पड़ेगा आपको जहां भी आप हैं। तो आप हम क्या करने चाहते, कल्याण भगवान के अनुसार रहे, किसी ना किसी के अनुसार इंसान के मन को रहना पड़ेगा, क्योंकि मन अनाड़ी है, मन एक्सपर्ट नहीं है, मन अबोध बच्चा है, अबोध बच्चे को मां की कहने के मुताबिक रहना पड़े, अबोध है ना, वाला से इमेच्योर, एंड माइंड इज इंटायरली इमेच्योर, इसे भगवान का सहारा लेना, जो भगवान कहे मान लो, मैं वही बात कहने आया हूं, मेरी भगवती में तो भगवान की बातें याद दिलाने आया हूं, अपने मन को भी याद दिला रहा हूं, आपको भी याद दिला रहा हूं,
क्या भगवान पर विश्वास करे, क्या दुनिया में अटल, जैसे ये सत्य बात ये अनुभव किया हमने, दिन के बाद रात का आना बिल्कुल सत्य, रात के बाद दिन का आना बिल्कुल सत्य, इसमें अविश्वास की बात ही नहीं। इसी तरह यह भी विश्वास याद रखिएगा, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए हवा जैसे ले जाए फूलों की बात, बिल्कुल सच्चाई से भरे हुए शब्द है। जब आखिरी वक्त आता है क्या होता है, आखिरी वक्त सिर्फ इस शरीर का होता, जो स्थूल शरीर नजर आ रहा है भगवती, ये एड़ी से चोटी तक जो हमें दिखाई देता है सिर्फ ये मर जाता है। मरने का मतलब इसके श्वास नहीं रहते, अब तो श्वासों की आराकशी लगी हुई है। हाँ, और भगवान ने खुद कहा है यह आराकशी किसके कारण से है, भगवान जी कहते हैं मेरे कारण से है, क्योंकि मैं अंदर शक्ति बना हुआ हूं। हाँ, दरूं और मरूं दम्मी आता हूं मैं। और यहां तक तो भगवान आपका अहंकार तोड़ती है, ये चारों गिजाएं, चार प्रकार की गिजा दिन भर में खा रहे हैं, तो खाना तो बड़ा आसान है बेटी, चार प्रकार की क्या होती है, रोटी की तरह ठोस, अच्छा, एक दूध या पानी की तरह तरल पदार्थ लिक्विड, अच्छा, एक फल की तरह, हाँ, एक खिचड़ी की तरह मिली जुली, कई चीजें आप में मिला के खाती हैं, ये चार प्रकार की हो गई। अंदर तो डाल दिया, लेकिन जब तक हाजमा ना हो तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, पेट भारी रहेगा, डिकार आएंगे बच्चे, अंगड़ाइयां आएंगी, कभी इधर दर्द कभी इधर दर्द, वो तो अंदर पचता जाता है। हाँ, भगवान पचाई जा रही है, वरना तो बड़ा बुरा हाल हो अगर पचे नहीं तो, हवा ही हवा गंदा हवा, मर जाएंगे, गैसें चढ़ेंगी ऊपर, जो गंदी चीज है पेशाब बन जाता है, और गंदा जो हुआ वो शौच बन जाता है, और बाकी शरीर को ताकत मिल जाती है, जो खाया पिया हड्डियों की तरफ चला गया, खून की तरफ चला गया, मांस की तरफ चला गया, हर पा हर पा, और जो व्यर्थ की चीज थी वो शौच पेशाब द्वारा निकल गया। कितना बड़ा काम करे भगवान, कहते मैं ही तो कर रहा हूं, ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। हाँ, तो मौत किसकी हुई, इसी शरीर की। एक मैं साधारण जीव की बात कर रहा हूं जो सामान्य है, बिल्कुल ले मैन और एक कॉमन मैन है, ले और कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, लेकिन इंसान ये तो जान नहीं रहा। आयु, कितनी मोटी बात कह रहा हूं आपसे, एकाग्र रहना, आयु घटती जा रही है, आज का पढ़ा लिखा नलायक इंसान, एजुकेटेड फूड, ये नहीं जानता कि आयु मेरी घटती जा रही है दिन बदन दिन बदन दिन बदन। हाँ, इधर मेरी कामने तो नहीं घट रही, कामने तो मेरी है, मेरी इच्छाएं हैं, कौन है माई का लाल, कौन है मेरी बहुत धना बेटी जो हर समय मौत के लिए तैयार है, है? किससे पूछो सही, जा नहीं मैं ही रह गया, और कौन ही रहा। अगर किसी लड़की से पूछो तैयार है तू, मैं कोई तैयार है, तेरे घर में बहन नहीं बैठी, उन्हें भेज दे परे, बुरा मनाएंगे, किसी को ना कहना, तू ही चला जा, शाबाश। एक बहन नहीं शादी करवा जाती थी, तो छोटी बहन का कर लेना, तू करवा ले फिर, अच्छा चल चल पिताजी मना, मुझे भेज, अगर मेरे जाने से तेरी जान छुटती है तो मैं कुर्बान हूं, शाबाश। बेटे कोई भी अगर जो कहता हां मैं बिल्कुल तैयार हूं, उसका जन्म मरण नहीं होगा। ये कौन कह सकता है बिल्कुल तैयार हूं, जिसकी कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, ही इज प्रिपेयर्ड, वो ये कह सकता है मैं बिल्कुल तैयार हूं, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल तैयार है गीता जी की मेहरबानी से, वेरी गुड, शाबाश। एक ना एक तो ऐसी शक्ल होनी चाहिए ना जो हम बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल। ये कौन कह, अगर इनका मन कहीं नहीं लगा हुआ, वरना सारी जनता में ना उठते कि मैं अपनी शक्ल को दिखाऊं, किसी की नजर लग जाए क्यों मैं को दिखाऊं, तैयार कौन कह सकता है, काका जिसकी कोई वासना नहीं, मेरी भगवती इसको सच्चाई मानना मजाक ना लो, कौन तैयार। श्रोण का मैं बिल्कुल तैयार हूं, उसका मतलब उसका बिल्कुल तैयार किया, आज मेरा अंग्रेजी का इम्तिहान, मैं बिल्कुल तैयार हूं, जहां से मर्जी पेपर आ जाए, ओ वेरी गुड। ये कौन तैयार है जो इंसान करे, क्योंकि अहंकार और लोभ वहां रहता है, हाँ, जहां अपना आधार है, जब अपना आधार ही खत्म करके भगवान का सहारा ले लिया, बस नहीं, मुझे सौंप दे काम सब वेद रंग, निश्चिंत होकर के कोई मन में चिंता ना हो, वरना चिंता और बड़ी बात है, हमें क्या चिंता, जब मालिक को अपने आप को सौंप दिया, हमें क्या चिंता, जो कुछ होता रहे होता रहे,
हम अपने नेक नीति से हमने आपको, आप अगर नर बने हैं तो ये भगवान ने पक्षपात तो नहीं किया, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर कामनाएं इच्छाएं जो आपके विषय है उसके अनुसार हमें वातावरण मिलता है अपनी अपने अरमानों के अनुसार, जहां उन्हें पूरा होना है, जहां उन्हें पूरा होना है। हां, इसको प्रारब्ध बोलती, एक शब्द में कहेंगे निश्चित हो गया, आपकी ये कामना है, ये कामना उस घर में जा पूरी, मां बाप निश्चित, वो वातावरण निश्चित, अब वह वातावरण ऐसा बना हुआ है और आपने जाकर के वो कर्म करने है। कर्म करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, चूंकि गुण है आपके अंदर, गुणों ही से फितर के मजबूर है, गुण आपसे कर्म करवाएगा, पर विशेष कर्म आपके जो जो कामना है वो वहां जाकर पूरी होती जाएंगी। तो चिंता किस बात की, हाय मेरा रब्बा, भगवान ने विशेष मां बाप दे दिए कामना अनुसार, विशेष वातावरण दे दिया, विशेष शरीर दे दिया, विशेष सेहत दे दी, उसी अनुसार बुद्धि दे दी, उसी अनुसार मन दे दिया। हाँ, ये सारा कुछ भगवान ने पहले कर दिया है, आपकी वास्तविक अनुसार कामना को सारा आपकी कामना सारा कुछ तैयार है, पैर पे पैर रख के अपने खड़काने लगे पैर, पर इस करने के लिए कितनी देवियों ने यहां पर मारे ये गीले पोचे, भी कोई गंध ना हो, कोई कुछ ना हो, कोई ये ना हो, वो ना हो, सफा सुथरा कर दिया। इसी तरह आपकी कसम, आपकी कामना के अनुसार भगवान सब कुछ वातावरण बढ़ा देते, सारा वातावरण आपकी मां का, आपके बाप का, आपके बहनों का, आपके भाइयों का है, आपके पति का, आपके आगे का भविष्य सब तैयार हुआ पड़ा है, और हम लोगों ने वहां पुरुषार्थ कर लेना, उस घर में आके पुरुषार्थ कर लेना, आगे धीरे करके वो जो हमारी वासना है पूरी होती जाती है, पूरी होती जाती है, शाबाश। तो फिर तो हम निश्चिंत हो गए, बिल्कुल, वो तो पहले मुकर्रर है, वातावरण मुकर्रर, माँ बाप मुकर्रर, सारी चीजें मुकर्रर है, हमने आना है पुरुषार्थ करते जाना है, ये सब चीजें मिलती जानी है, जो हमारा मान पीछे लेके आई हमारी प्रारब्ध है वो पूरी होती, फिर उसके बारे में वरी, मारा थप्पड़ दो अपने मुंह के ऊपर अगर मन वरी करता है या चिंता कर, ये तो पहले मुकर्रर हुआ पड़ा है, पहले जिसने ये जान लिया, भगवान पर विश्वास कर लिया कि बिल्कुल मेरे प्रभु ठीक कह रहे हैं, कोई चिंता नहीं, मन की ताकत जो बाहर जा रही थी, देखिए भगवान की कितनी मेहरबानी, आपका मन अपने में आप में आ गया, चिंता कितनी शक्ति कर रहा था, दिन रात को खराब कर रहा था, कोई जाप नहीं, भजन नहीं होता था, और बीमारी भी हाई प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की होती जा रही थी, अब मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल आपका कलेजा शांत, आपका मन शांत, आपके शरीर शांत, अंदर वाला शांत, बिल्कुल ठीक है, अब आप भक्ति करो, मन एक बिल्कुल एक, तो जो होना होना, वो तो बनना ही, वो तो मैं कर ही रहा हूं, वो बनता जो मैं ऐसे मेरी वास्तविक कामना होता जाएगा, यह भगवान ने पहले मुकर्रर कर दिया है। चिंता स्पर्श भी नहीं करेगी जिससे प्रारब्ध पर पूरा विश्वास हो गया, यही मेरे भगवान जी 11वें अध्याय के 33 श्लोक में आपसे भक्ति करवाना चाहती हैं। हां, तो ये पाठ आपको पढ़ा दिया, हम सब के साथ इसको बड़ी प्रकार पक्का कर ले, अर्जुन को यही थप्पड़ मारा है उन्होंने, जो उसने कहा था मैं करने को तैयार नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग के अपना पेट भर लिया करूंगा, लेकिन मैं लड़ने लड़ने को तैयार नहीं, यूं चुप कह के चुप हो गया वो हसीन, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं खून खराबा करने को तैयार नहीं हूं। और भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धू ओ बुद्धू मेरी ओर देख, भगवान जी क्या कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करी, तो जंग तो होना है, होता है तो हो जाए जंग, मैं नहीं कर लूंगा, लेकिन अर्जुन मैं एक बात बता दूं, हां ये मर चुके, ये मर चुके, फना मैं इनको कर चुका, ये सब जितने भी आए बैठे ये सब इनको मैंने पहले समझा दिया है, कोई भी नहीं माना, अब तो मैं महाकाल बन के आया हूं और इन सारों को मैंने अपने अपने आगोश में ले लेना, ये मर चुके, ये मर चुके, फनाबा इनको कर चुका, और बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन ना देर का, दूसरा वसीला यानी इंस्ट्रूमेंट है, बाकी तो मैं किए बैठा हूं तेरे रब्द अनुसार, इन सारों के रब्द इनको आयु खत्म हो चुकी है, अब ये बच नहीं सकते, तूने सिर्फ वसीला बनना था, जैसे आप ये कहे रंदा कितना अच्छा है जिसने इतनी सुंदर रंदाई की है, आप ये कह रही है ना, देख भी रहे रंदाई कर दी, कितनी सुंदर लकड़ी बना दी, लेकिन आपका कह रहा है ये झूठ है, रंदा तो वसीला है, रंदाई तो धरखान ने किया, रंदे क्या पता है कि ज्यादा कहां कम चलना है, कहां ज्यादा चलना है, कहां लकड़ी बराबर काटनी, छेल उतारनी है, और रंदे क्या पता, रंदा क्या है, वसीला है, रंदा इंस्ट्रूमेंट है, रंदा निमित्त मात्र है, अपने शब्द है निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट करने कराने वाले तो दिरखान है, इस तरह आप तो करने कराने वाले जैसी हैं, भगवान ने पहले वातावरण आपका तैयार कर दिया, पहले उन्होंने बना रखा है, हम सब वसीले हैं, हम सब जो है एक उसके अनुसार जुट रहे हैं, मेरी बेटी क्या बनेगा, मेरी कितनी चिंताएं हैं, जवान होती जा रही है, कोई वर नहीं मिल रहा,
घर के अंदर गुरबत पड़ी, कितनी चिंताएं थी, गुरबत निकल नहीं रही। पुरुषार्थ किए जाओ, निश्चिंत होके हो जाएगा जो होना है, भगवान ने पहले कर रखा है। मेरा ये नहीं, मेरी सेहत ये मेरे अंदर फोड़ा होता जा रहा है, बीमारी इलाज कर रहे हो, होना होगा ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। चिंता ही चिंता, चिंता बेटी के बारे में, अपने बारे में, कारोबार के बारे में, पत्नी के बारे में, चिंता कई चिंता, चिंता का एक रूप थोड़ा, चिंता का अनेक रूप है। और जिसको प्रभु पर विश्वास है, आपकी कसम, क्या तोला भर भी चिंता नहीं रहती उसके अंदर, रत्ती भर भी नहीं रहती। पुरुषार्थ करना है, अगर जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, अगर प्रभु पर पूरा विश्वास है तो वसीलापन न देर कर, वसीलापन कारोबार की थी, क्या कारोबार की चिंता, दिन रात आप किए जा रहे हैं, जो आपके प्रारब्ध में या किसी और को थोड़ा मिलना है। प्रारब्ध का मनी ऑर्डर आपके घर में आपको दिया जा रहा है, मेरे मालिक की दुकान पे है, सबका खाता रे है, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता, मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता, ये हमें मिलना है। प्रारब्ध पर यकीन करने से सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी, कितनी निश्चिंता आ जाती है, और निश्चिंत मन कितनी भक्ति कर जाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मन में बेचैनी और बेकरारी नहीं है। ओ जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद। आजकल के जमाने में ना बेकरारी ना कोई बेचैनी, मन बिल्कुल शांत, जिनको प्रारब्ध पर अपने भगवान पर पूरा भरोसा हो गया, अब और निकल जाएंगे, भक्ति कर जाएंगे, क्योंकि उनके मन की शक्ति कहीं भी जाय नहीं जाएगी। जिनको सर इतना विश्वास आ गया, वसीला बन, हम तो इंस्ट्रूमेंट है जो भगवान के हाथ में, भगवान ने पहले सब कुछ कर दिया, जैसे हमारे पिछले जन्म के अरमान थे, भगवान ने हमारे से पुरुषार्थ करवा लेना है, और ये सब कुछ हुआ, देन वाई वरी। भगवान पर विश्वास करो ना, मैं अपने पर नहीं कह रहा, भगवान के पर कह रहा, भगवान ने कहा है, साथ अपने ले जाए मन, और जब हम मरे हैं, शरीर छोड़ा है, तो अपने सूक्ष्म शरीर आगे गया, जैसे हवा ले जाए फूलों की बास, वो सब वातावरण आपका बना पड़ा है, इसके बारे में चिंता कर, इसकी फिक्र क्या मेरी भगवती, नो मोर चिंता, नो मोर फिक्र, आपका मन निश्चिंत हो गया, अब आपका मन बिल्कुल स्टैंड स्टिल। भला हो भगवान का जिन्होंने चिंता को खत्म ही कर दिया। अब दिन दुगनी रात चौगुनी आप भक्ति करते जाएंगे। अगर इस पर प्रयोग पर विश्वास नहीं, फिर तो कई प्रकार की चिंता है, फिर नहीं भक्ति होती, फिर नहीं मन एकाग्र होता, फिर नहीं मन आपका शांत, फिर सपने भी नाना प्रकार के आएंगे, जिस जिसके बारे में बार बार आप चिंता करते हैं, उसी का आएगा सपना। दिन में भी चिंता करते रहे, रात को भी चैन से नहीं सोए। जिनको इधर उधर के सपने आती हैं, उन्हीं मूर्खों को आती हैं, जो कि जिनका मन चिंता में मरा, और चिंता वाले कहा होती हैं भक्तों के, भगवान कहते हो परले दर्जे के नास्तक है। ये तो नास्तिकता है, वो तो होना है जो हो रहा है, पुरुषार्थम किए जा रही है, फिर चिंता किस बात की, फिर तो आदमी निश्चिंत हो जाए, केयर फ्री, केयर फ्री, केयर से आजाद, चिंता से आजाद। कोई भी अगर आप पे गलती कर रहा है, तो आप तो कल्याण कामी है ना, मेरी देवी आप तो कल्याण चाहती है ना, इस चिंता को पर फेंक दो, कोई चिंता नहीं, परमात्मा का भरोसा है, पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, आगे जो होना है, जो मेरे प्रबंध में हो जाना है, जो मेरे प्रबंध में मिलना है वो मिल जाएगा। अनुभवियों ने यही अनुभव करके हमें अपना अनुभव बताया, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। संत शिरोमणि गोसाई जी का फरमान, तुलसीदास महाराज जी के अनमोल बोल, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, शरीर बाद में प्रकट हुआ है, पहले इसकी प्रारब्ध भगवान ने मुकरर कर दी है। बिल्कुल शेर बन जाइए, निश्चिंत हो जाइए, अब आप भक्ति करेंगे, अब आपका मन बहुत तरक्की कर जाएगा, चढ़ जाएगा, निकल जाएगा, कहीं का कहीं आप निकल जाएंगे। टटोलो अपने मन को, भक्ति वही करती है जिनके मन निश्चिंत है, निश्चिंत वही होती है जिन जो प्रभु पर यकीन करती है, जिनको अपने भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा, वो बिल्कुल निश्चिंत। कितना अंतर आ गया आपका मन, कितना एकाग्र हो गया, मेरी भगवती का मन कितना शांत हो गया, कितना आपका मन ठहर गया प्रभु पर यकीन करके। क्या अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। बिल्कुल निश्चिंत, इस पर यकीन कर लो मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, के बस हमने सिर्फ पुरुषार्थ करना है, हाथ जुट जाना है, लग जाना है, बस आगे जो भी होगा ठीक है, जो मेरे भगवान करें उसमें मेरा कल्याण है, उसमें मेरी बेहतरी और मेरी भलाई है। लो आपकी भक्ति कितनी बढ़ जाएगी, चक्रमान शांत।
जो भी घटना घटती है ठीक है, मेरे प्रभु जैसे होना वैसे ही, जैसे घटक कोई नहीं मेरे प्रभु, मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। जो जैसे मेरी प्रभु है मेरे आगे आना है, जो बिजली आपने फूंकी है बिल उतना ही आना है, फिर रोने पिटने की बात ही कुछ नहीं। पहले आपने घर में फ्रिज नहीं रखी थी, पहले आप कपड़े प्रेस धोबी से करवाते थे, आप अब खुद प्रेस करती हैं, हाँ बिजली लग रही है, आप खुद फ्रिज रखी है 24 घंटे चलती है तो बिल तो बढ़ेगा ना। हाँ पहले घटा आप कहते बिल बढ़ गया, तो आपने बिजली कंज्यूम भी ज्यादा करती हो ना, जैसी कंजम्पशन वैसा बिल। हाँ तो जो कुछ हमने किया है अपने अरमान है वही बिल हमारे सामने आ रहे हैं, कभी सुख का बिल कभी दुख का बिल कभी सुख का, हमारे अपने कर्म हमारे सामने आ रही है। तेरा लिखा एक दिन तेरे सामने आएगा, whether it is pleasant or unpleasant, चाहे ये प्रिय है चाहे अप्रिय है, मेरा अपना ही है मेरे आगे, मैं बड़ा खुश हूं मेरे परमात्मा, बड़ा प्रसन्न हूं मेरे दाता, ठीक है जैसे आप कर रहे हो मेरे मुताबिक हो रहा है। ऐसे जीव कर गए भक्ति, जीत गए भगवान को, जीत गए जहान को। निश्चिंत आदमी क्या, जहान को भी जीत गए भगवान को भी जीत गए, और समा गए भगवान की, जो निश्चिंत है उनकी भक्ति खूब चलती है, उनका मन खूब एकाग्र रहता है, उनके मन की पूरी ताकत भगवान में लग जाती है। हाँ शाबाश बहुत अच्छी, न जी डगमगा उसकी तकमील कर, न जी डगमगा उसकी, ये भगवान जी कह रही है न जी डगमगा, मन में चिंता ना कर, जुटा रहा जो तेरा काम है, लगा रहा उसमें निश्चिंत होकर के, शाबाश देख ले मेरी बच्ची आपको कमी नजर आएगी, देख लो मेरे बुजुर्गो मेरे धार्मिक भाइयों आप में जरूर कमी नजर आएगी, चिंता तो कभी कर लेता हूं, मूर्खता है, फिर भक्ति वही स्टॉप, फिर भगवान नास्तिक कहते हैं कि वो व्यक्ति नास्तिक है जिनको चिंता भगवान जी कर रही है, हमारी प्रभु हमारे साथ नहीं है बिल्कुल। देन वाई वरी वाई केयर, हाई गहराई में जाना आज सर चल रहा है क्या, ये है गीता का भक्ति योग जो हमें निश्चिंत कर देता है, जो हमें शांत कर देता है। जब भगवान के बन गए फिर क्या चिंता, फिर तो प्रसाद करना है, जब तुमने शादी कर ली फिर तुझे अपने बारे में, तुझे बॉडी गार्ड मिल गया, बॉडी गार्ड पति का मतलब क्या बेटे, बॉडी गार्ड पत रखे सो पति। हाँ तो एक बॉडी गार्ड पत रखे मतलब बॉडी गार्ड, हमें बॉडी गार्ड मिल गया है, खिलाएगा पिलाएगा कपड़े भी देगा सब कुछ रखेगा, हमारी इज्जत का ख्याल रखेगा सब कुछ रखेगा। तो जब हम भगवान के प्यारे बन गए तो फिर क्या, उसको हमारी लाज होगी जिसके हम कहला चुके हैं, उसको हमारी लाज होगी जिसके हम, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन ले मेरी भगवती, उसको हमारी लाज होगी जिसके हम कहला चुके हैं, उसको हमारी लाज होगी जिसके हम कहला चुके हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।